सो हे मार्वेलस पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। RRR रिसेंट में आई इंडियन तेलुगु सिनेमा को रिप्रेजेंट करने वाली मोस्ट हाइप्ड मूवी, जो एक एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा है, वो थिएटर में धमाका मचाने आ चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली सर ने फिर से अपना सिनेमा पे जादू दिखा दिया है बाहुबली के बाद। अब फिल्म में स्टार्स हैं NT रामा राव जूनियर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट। अजय देवगन और आलिया भट्ट का रोल एज अ कैमियो की तरह दिखाया गया, लेकिन जितना भी है इम्पैक्टफुल था। अब ये फिल्म एक फिक्शनल स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इंडिया में सेट है ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। फिल्म दिखाती है कि किस तरीके से कोइंसिडेंटली दो अलग अलग लोग, जिनका मकसद एक है लेकिन रास्ता अलग, जब टकराते हैं तो क्या होता है। अब फिल्म के एक्शन के बारे में बात करें तो फिल्म का एक्शन ग्रैंड लेवल पे दिखाया गया है। फिल्म के कलर्स और रिप्रेजेंटेशन एक एक सीन का बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। इवन हर एक एक्शन सीन जब आप बड़े पर्दे पे देखो तो भले ही आपको लगेगा कि ये रियल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल आपको लगेगा। फिल्म का VFX दिखाता है कि इंडियन सिनेमा में VFX का इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑल्दो बाहुबली जितना ग्रैंड लेवल का नहीं, लेकिन फिर भी इतना जो आपको कन्विंसिंग बिल्कुल लगेगा। फिल्म में बहुत सारे एनिमल्स को दिखाया गया है VFX के थ्रू, और क्योंकि उनका बहुत मेजर रोल है, फिर भी आपको कहीं पे ये नहीं लगेगा कि वो सारे आर्टिफिशियल हैं, सारे के सारे बिल्कुल रियल दिखेंगे। फिल्म में गाने के बारे में बात करें तो गाने बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, और जो जो गाने स्क्रीन पे आते हैं उनका कोई ना कोई मीनिंग है। जैसे कि हिंदी में बात करें तो एक नाचो नाचो सॉन्ग है, जो पहले तो दोनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री को दर्शाता है कि किस तरीके से कोरियोग्राफी ग्रैंड लेवल पे जा सकती है। और उसके साथ साथ भले ही आप उस सॉन्ग को पहली बार थिएटर में सुनोगे, लेकिन फिर भी आपको वो सॉन्ग पसंद आएगा और थिएटर की जो एनर्जी होगी वो किसी और ही लेवल पे जाएगी। फिल्म में बहुत सारे इमोशनल गाने भी हैं, जैसे कि दोस्ती, और उसके अलावा लास्ट में आने वाला एक गाना जिसका नाम है शोले, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को और उनको एक ट्रिब्यूट देता है। अब फिल्म के जितने भी इमोशनल सीन्स हैं वो दोनों ही एक्टर्स को दिए गए हैं। जैसे कि जो भीम का कैरेक्टर है, वो जब ब्रिटिश एम्पायर में इंटरवल से जस्ट पहले रेड करता है, सीन को जिस तरीके से दिखाया गया है, दर्शाया गया है स्क्रीन पे स्लो मोशन के थ्रू सारे के सारे जानवरों के साथ, वो पूरा थिएटर तालियों से भर देता है। और रामचरण का जो कैरेक्टर है फिल्म के लास्ट वाले पार्ट में, लंबे बालों के साथ जिस तरीके से भगवान श्री राम का अवतार दिया गया है, उसके तो क्या ही कहने। और लास्ट की फाइट जिसमें तीर के पर्सपेक्टिव से लड़ाई दिखाई गई है, वो मूवी को ग्रैंड लेवल पे लेके चला जाता है। अब इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि ये सारे फिल्म से अलग कैसे हुई, जो चीज इसको अलग बनाती है वो है फिल्म का कॉन्सेप्ट, जो कि है कनेक्शन बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडियन रिलीजन। कि किस तरीके से ये फिल्म ब्रिटिश एम्पायर को हमारे इंडियन ट्रेडिशन से कनेक्ट करती है, और जिस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन है वो इस मूवी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। इसलिए बोल सकते हैं कि जो RRR मूवी है ये एक्चुअली में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, एंड इवन इंडिया की इंडिपेंडेंस और उसके साथ साथ इंडियन इमोशन को सेलिब्रेट करती है। तो अगर आपको ये मूवी देखनी है तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको यही रहेगी कि आप इसको थिएटर में जाके देखें, क्योंकि थिएटर का एक्सपीरियंस और आपको कभी नहीं मिलने वाला है इस मूवी के लिए। क्या ये पिक्चर वर्थ फॉर मनी है? ऑब्वियसली यस। और क्या ये एक मस्ट वॉच फिल्म है? तो हाँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, जिस साथ आपका प्लान बन रहा है मूवी देखने का। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।